सब्सक्राइब करें टेक्निकल शुभान यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए टेक्निकल शुभान यूट्यूब चैनल। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल शुभान की जानब से मैं शुभान अली और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी विंडो कब ख़राब होती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विंडो की ज़रूरत अभी है या नहीं, और दूसरा ये कि दोस्तों विंडो ख़राब किस वजह से होती है। तो आज मैं आपको सारे डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपकी विंडो कब ख़राब होती है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि अगर आपकी विंडो स्लो चल रही है, फॉर एग्जांपल आपने अपने पीसी को स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है या आपका ऑन होने में आपका सिस्टम, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपकी विंडो ख़राब हो चुकी है, ठीक है। दूसरा यह है कि दोस्तों अगर आप ज़्यादा वायरस वाली यूएसबी लगाएंगे तो आपकी विंडो फिर की भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एंटीवायरस तो दोस्तों आपके, अगर आपने एंटीवायरस किया तो वो आपके वायरस को तो डिलीट कर देगा लेकिन दोस्तों आपकी विंडो को स्लो कर देगा। तो जाहिर है कि दोस्तों अगर वायरस ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो आपकी विंडो ज़रूर स्लो होगी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर ज़्यादा देर हो गई है और आपने सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपको बताता हूँ कि आपकी विंडो स्लो होने की वजह क्या है। अगर आपने सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंस्टॉल किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंस्टॉल करने के बाद अगर आप उनको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद दोस्तों उनका बैकअप बन जाता है, ठीक है, उनका बैकअप जब सी ड्राइव में बन जाता है तो सी ड्राइव इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो आपके आपकी स्पेस कम हो जाएगी जिसकी वजह से आपका पीसी स्लो हो जाएगा और आपकी विंडो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको मिसाल के लिए बताता हूँ कि मैंने अडोब आफ्टर इफेक्ट 2019 इंस्टॉल किया है, तो ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, इसका बैकअप बहुत ज़्यादा है। अगर इसका मैं यूज़ करूँगा इसको और ये सी ड्राइव में बैकअप बनाता जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ये बैकअप बनाएगा मेरा सिस्टम स्लो होता जाएगा और आखिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी विंडो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है विंडो ख़राब होने की, वो ये है कि दोस्तों आपका जो सिस्टम है वो बार बार अगर ऑन ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पाकिस्तान में लाइट का मसला है, तो अगर बार बार लाइट आएगी और जाएगी तो लाइट आने और जाने की वजह से दोस्तों आपके सिस्टम को मसला बन सकता है, ठीक है, और ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ जो कि आप लोगों को मेरे ख्याल में नहीं पता होगी, अगर पता है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, कि अगर आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल हेल्थ 100% है और हेल्थ के साथ आपकी परफॉर्मेंस 100% है, ठीक है, तो आपकी विंडो ज़्यादा देर यूज़ हो सकती है। अगर आपकी हार्ड की हेल्थ और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि हेल्थ डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो आपकी विंडो को मसला बनता रहेगा, आपकी विंडो बार बार ख़राब होगी कि आप अगर ने एक वन वीक पहले आपने विंडो की है तो नेक्स्ट वीक आपकी विंडो ख़राब हो जाए तो समझ लें कि आपके हार्ड डिस्क को भी मसला हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हार्ड डिस्क को ही मसला हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हार्ड डिस्क पर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी विंडो ख़राब है या ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।